महानायक अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर उन्हें ओल्ड फैशन्ड कहा था जब रेखा ने, तब विवाद काफी बड़ा था। इस रिपोर्ट में इसी बारे में हम बात करें। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा, मिस्टर बच्चन हमेशा से ओल्ड फैशन रहे, वो हमेशा ओल्ड फैशन ही रहे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को कभी चोट पहुंचाने का ख्याल ही नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने मुझे ही चोट पहुंचाया और बाकियों के साथ भी उनके नाम जुड़ते रहे। और लोगों के बीच ये खबरें आने लगी कि अमिताभ के 10 लोगों के साथ अफेयर्स थे। तो रेखा क्या है? रेखा ही नहीं, कईयों के साथ अफेयर्स थे। अमिताभ को लेकर रेखा ने ये कहा था कि अमिताभ चाहते तो अलग कर सकते थे, सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने बच्चों को लेकर इमेज को बनाए रखने के लिए उन्होंने मुझसे दूरी बनाई। ये अच्छी बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पब्लिक वाले क्या सोचते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है। और पब्लिक में उन्हें जो प्यार मिलता है, जो प्यार है लोगों का उनके लिए, उस प्यार को वो खोना कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी हमारे रिश्ते को नाम नहीं दिया। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे करती हूँ, बस इतना पता है, लोग चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर प्राइवेटली मुझे साथ वो कैसा रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है। मैं डिसअपॉइंट होती अगर मेरे साथ प्राइवेटली अगर वो बुरा रिएक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक में वो कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग भले मुझे बेचारी कहें, मैं उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने देती।